मिता भाई कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है और कुछ आया ना, ठीक है ये स्क्रीन में नहीं आ रही है, अब हमने स्क्रीन पे से भरोसा उड़ गया हमारा, ठीक है पिछले गेम के बाद तो गेम ड्रॉ हो गई ना, मैं हारा नहीं, एक एक से बराबर हो गई क्योंकि हमारा आरटीएस वाकई बैठ गया, तो आपके हक में हो गया फैसला, ये आपके हक में हो गई है वाली दांत, दांती से नहीं जीता सही है सर। अच्छा भाई तो आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में मेरे सबसे अच्छे दोस्त डैश हैं, डैश में आपको भी ले सकते मरियम औरंगजेब ऑल राइट ओके। वजीर आलम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के बारे में समझता हूं कि वो डैश हैं, बड़े अच्छे इंसान है, अच्छे इंसान है, लेकिन उनके साहबजादे सुलेमान शहबाज से ये गिला है कि वो डैश हैं। डैश है? डैश में आप कुछ भी बयान कर सकते हैं, आप कहें दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान है, आप ये कह दें माइक जरा करीब जी। हाँ। मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, उनसे कोई गिला नहीं है, कोई गिला नहीं। अच्छा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर एक लफ्ज में बयान करना हो पीपल्स पार्टी के बारे में एक लफ्ज, तो वो लफ्ज होगा डैश, भुट्टो साहब। जरदारी साहब को अगर एक लफ्ज में समराइज करना हो तो वो लफ्ज होगा डैश, एक बहुत होशियार आदमी। और इमरान खान साहब को एक लफ्ज में बयान करना हो तो होगा डैश, बहुत मकबूल सियासतदान है, बहुत मकबूल सियासतदान, मगर हाँ मगर उसके आगे मगर है, मगर बस मगर डैश मगर काफी है। अच्छा मगर काफी, ठीक है। इमरान खान साहब का अगला वजीर आजम बनने का इम्कान डैश है, डैश ही है, यानी कम है ज्यादा है जो भी, डैश में जो भी कहना चाहें, मुझे नहीं लगता है कोई चांस नहीं है। अच्छा मकबूल है लेकिन वजीर आजम नहीं बन सकते, सियासतदान मकबूल है वो, लेकिन मैंने पहले भी कही थी बात, उस पर भी पीटीआई वाले दोस्त से बात ही चलाते कि उनको पॉलिसी की कोई वो नहीं है। Okay. ये सिर्फ मुझे सियासतदानों में इस वक्त पावर की जंग लगती है, किसी को ये नहीं पता कि वजीर आजम बनने के बाद मैं आवाम के लिए क्या करूंगा, सबको ये है कि मैं वजीर आजम बन जाऊं, मैं है, तो ये है, तो मुझे अभी इस वक्त चांस कम लग रहा है। अच्छा जाते थे सुलेमान शहबाज की बात है तो बता दो, उनका आज एक ट्वीट आया, आपको लग रहा है क्या वो आपसे खास मोहब्बत चल रही है क्या? री इमेजिनिंग तोशा खाना करके ट्वीट आया उनका, इससे पहले भी एक ट्वीट आया था कि पाकिस्तान के चार साबिक वज़ीरे खजाना डैश हैं, उन्होंने कहा था, जोकर्स का इस्तेमाल किया था पता नहीं क्या, तो आज उनका आया री इमेजिनिंग पाकिस्तान, तो ये क्यों आपसे खास मोहब्बत फरमा रहे हो? मुझे तो खुशी हुई है कि उनको री इमेजिनिंग का ख्याल तो आया है, कि उनको भी सब लग रहा है कि पाकिस्तान को री इमेजिन करना चाहिए, तो बड़ी अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि ज्यादा लोग हमारे एफर्ट में हों, सारे पार्टियों से आए, हमारा कोई सियासी मकसद नहीं है, लेकिन सियासी इकतदार लेने का मकसद नहीं है, लेकिन ट्वीट पे कोई गिला है आप? हैं? इसमें मुझे क्या गिला है? कोई मसला नहीं है, कोई गिला नहीं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियां बजा देंगे मिफ्ता इस्माइल साहब।